सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंस स्टूडियो। सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी मार्वलस मंडे एपिसोड 2 एंड आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एंड गेम मोमेंट्स के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आज की इस लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी लिस्ट है टॉप 10 एंड गेम मोमेंट्स ही। सो इस लिस्ट पर नंबर 10 पे है अ रैट सेव्स द यूनिवर्स। तो हम सारे फैंस को यही लग रहा था टीवी स्पॉट्स और ट्रेलर्स देखने के बाद कि एंटमैन अपने आप क्वांटम रियल्म से बाहर आएगा और वो कुछ ऐसा करेगा कि जिससे वो क्वांटम रियल्म से बाहर आ जाएगा। बट एक रैट ने गलती से 2023 में उसे एक्टिवेट कर दिया और वैन एक्टिवेट होने के बाद एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट था फैंस के लिए। सो ये नंबर 10 पे तो होना ही चाहिए। नंबर 9, प्रोफेसर हल्क। इन्फिनिटी वॉर में थानोस से डिफीट होने के बाद हल्क जब अर्थ पे गिरता है तो वो ब्रूस में होता है और वो 2015 से हल्क के अंदर ही था ब्रूस। तो फाइनली इस बार एंड गेम के अंदर वो प्रोफेसर हल्क बन जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा मोमेंट था जो फैंस को हमेशा याद रहेगा। हल्कि इस पूरे मोमेंट के अंदर एंट्री बहुत अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट भी था जब वो डैप करके सेल्फीज लेता है। ये मोमेंट फैंस को लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट था एंड गेम में, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हमें हल्क दिखा ही नहीं था और एंड गेम में फाइनली दिख गया। थानोस डाइज इन द फर्स्ट 20 मिनट्स। तो नंबर 8 पे इस मोमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम फैंस को पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। कुछ थ्योरी से ये पता चला था कि थानोस मूवी के स्टार्टिंग में अवेंजर उसे मार देंगे, पर हमें ये नहीं पता था कि मूवी अभी स्टार्ट भी हुई भी नहीं और 20 मिनट्स के अंदर थॉर ने सीधे उसके हेड पर अटैक किया। और यस, इस बार ही हैज़ गॉन फॉर द हेड और थानोस ने उसे इन्फिनिटी वॉर में कहा था। तो इस मोमेंट को देख के फैंस बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए और रियली ये मोमेंट बहुत ज़्यादा ऑसम था कैप्टन मार्वल की इसके अंदर एंट्री। और ये मोमेंट इतना स्पीड से हो रहा था, कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका। अगर आप एक असली मार्वल फ़ैन हो तो आप इस मोमेंट पे आपने क्लैप ज़रूर किया होगा। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इंटेंस मोमेंट था जब 2012 में अवेंजर्स वापस टाइम ट्रैवल करके पास में जाते हैं, तो उस एलिवेटर सीन के बाद जब कैप वापस आता है तो वो अपने 2012 वाले कैप के साथ उसकी हैंड टू हैंड फाइट होती है, जो मार्वल फैंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और स्पेशली जो कैप्टन अमेरिका के फैंस हैं। और लास्ट में कैप्टन अमेरिका उसे बताता है कि बकी अभी भी अलाइव है और तब जाके वो उसे भी डिफीट कर पाते हैं। नंबर 6, बैटल ऑफ डेथ। ये हम सबको पता था इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद कि ऐसा कुछ होगा कि सोल स्टोन लेने के लिए किसी को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पर हॉकर और ब्लैक विडो गए और उनके बीच में बैटल एक दूसरे को किल करने के लिए नहीं होता, बैटल हो रहा था कि कौन अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा सोल स्टोन के लिए। ये रियली बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था और कई फैंस इस मोमेंट पे क्राई भी कर पड़े। और इस मोमेंट पर लास्ट में ब्लैक विडो ने हॉकर को रोक के अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया और इस टाइम पूरा थिएटर बिल्कुल नॉइज नहीं हो रही थी थिएटर के अंदर। तो अब जो नंबर 5 पे जो मोमेंट है, स्टीव रॉजर गेट हिज डांस। हम सबको पता है कैप्टन अमेरिका तो फर्स्ट अवेंजर के बाद कैप्टन अमेरिका आइस के अंदर है 75 ईयर्स से, और उसके बाद उन्हें निक फ्यूरी ने निकाला था और वो जब पास में वापस गए तो कैप्टन अमेरिका की सबसे बेस्ट एंडिंग यही थी कि वो पैगी के साथ अपना डांस कर पाएँ। और ये मोमेंट सच्ची में मार्वल फैंस के लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, कैप्टन अमेरिका उनकी बेस्ट एंडिंग मिली और वो पिछले बहुत सारे टाइम से उन्हें यही लग रहा था कि वो पैगी के साथ डांस नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो करने वाले थे तो उस टाइम वो एकदम फ्रीज हो गए थे ब्लास्ट के अंदर और तब से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और पैगी की डेथ हो गई थी। तो नंबर 4 पे जो मोमेंट है वो है कैप्टन मार्वल डिस्ट्रॉयज थानोस शिप। जब सारे अवेंजर्स की आर्मी थानोस देखते हैं कि वो जीत रहे हैं तो थानोस अपने शिप से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और सारे अवेंजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं और सब अपने आप को डिफेंस करने का ट्राई करते हैं। तभी स्पेस से कुछ एस्ट्रॉयड जैसा आता है, पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर कैप्टन मार्वल थी। और जैसे केविन फाइगी ने कहा था, ये एमसीयू की सबसे बेस्ट करेक्टर है
इस टाइम थिएटर एक्सप्लोड हो गया था, बहुत ज़्यादा चीयरें हुई थी कैप्टन मार्वल की, और कैप्टन मार्वल ने प्रूव कर दिया दैट शी इज़ द बेस्ट अवेंजर। नंबर 3, वर्दी कैप्टन अमेरिका। जब थानोस 3 मेन अवेंजर के साथ फाइट कर रहा होता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस होता है, जो उसके अंदर आयरन मैन को बहुत ज़्यादा अटैक होता है और थॉर भी स्टॉर्म ब्रेकर जो होता है वो थानोस उसके चेस्ट में डाल रहा होता है कि तभी एकदम म्योनर उठ के आता है और उसे लग जाता है। और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ने जब म्योनर लिफ्ट किया तो ये बहुत एक्सट्रीम मोमेंट था कैप्टन अमेरिका के। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ने जो शील्ड और म्योनर के साथ एक्शन किया वो बहुत एक्सट्रीम था और ये फैंस को हमेशा याद रहेगा, और ये कैप्टन अमेरिका के बेस्ट मोमेंट्स में भी आना चाहिए। और उसके बाद है नंबर 2 पे आयरन मैन स्नैप्स। ये मोमेंट नंबर 1 डिजर्व करता था, बट इस मोमेंट में हमारा बेस्ट अवेंजर जिसने एमसीयू की स्टार्टिंग करी 2008 से 2019 तक फेज 3 तक, वो है आयरन मैन। जब उसने अपना फेमस डायलॉग बोल के स्नैप करी तो थानोस और इसकी पूरी आर्मी डस्ट बन गई, और इतना ज़्यादा ये अवेंजर एंड गेम का आई थिंक द बेस्ट मोमेंट है। और उस लेकिन उसके बाद टोनी सैक्रिफाइस करना पड़ा उसे, क्योंकि उस वो इन्फिनिटी स्टोन्स की रेडिएशन को हैंडल नहीं कर पाया, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जो बहुत इमोशनल सीन था। और इसी के साथ हमारे बेस्ट अवेंजर की डेथ हो गई। तो नंबर 1 पे है अवेंजर्स असेंबल। जब पूरी थानोस की आर्मी के आगे कैप्टन अमेरिका अकेले ही आगे आ गए थे तो हम फैंस को पता था कि कैप्टन अमेरिका थोड़ी देर भी नहीं रह पाएंगे, और तभी एकदम उनके रेडियो रिसीवर पे मैसेज आता है और वहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज सारे अवेंजर्स को पोर्टल से ले आते हैं, और ये उन 1 बिलियन पॉसिबिलिटीज़ में से यही वो चांस है जिसमें वो जीतते हैं। यहाँ पर सारों की एंट्री होती है, यहाँ पर हमें पेपर भी दिखती है रेस्क्यू आर्मर के अंदर, सारे अवेंजर्स एक साथ होते हैं, और ऐसा फर्स्ट मोमेंट था जब कैप्टन अमेरिका ने अवेंजर्स असेंबल बोला। इससे पहले उन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी ट्राई किया था, बट वहाँ पर कट कर दिया था इस मोमेंट को, पहली क्रेडिट सीन्स आ गए थे। और इस मोमेंट में थानोस वर्सेस अवेंजर्स की फ़ाइट बहुत एक्सट्रीम थी, और ये हमारा सबसे सरप्राइज मोमेंट था। हम फैंस ने बहुत थ्योरीज निकाली, बट हमें ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और इस मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट है। सो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोज, कीप सपोर्टिंग, एंड बाय।